एक बार फिर कंगना के निशाने पर आए करण और दीपिका। यूज्ड पीपीई किट्स फेंकने पर क्वीन ने दिया स्टार्स को जवाब करारा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत हमेशा से ही सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। क्वीन कभी भी किसी से नहीं डरती हैं। अपने अकाउंट से वो फैंस तक अपनी हर बात पहुंचाती हैं। हाल ही में कंगना रनौत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में कंगना का करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन पर आरोप है कि वो गोवा में शूटिंग के बाद बायोमेडिकल वेस्ट वहीं छोड़ आए हैं। आपको बता दें, कंगना करण जौहर की उसी फिल्म की बात कर रहे हैं जिस फिल्म में दीपिका पादुकोण लीड रोल प्ले कर रही हैं। कंगना ने करण की आड़ में इंडस्ट्री को एक बार फिर से आड़े हाथ ले लिया है और इसे पर्यावरण के लिए भी सबसे खतरनाक वायरस बता दिया है। कंगना ने ट्विटर पर पोस्ट लिखा, फिल्म इंडस्ट्री केवल वो वायरस नहीं है जो इस देश को सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को नष्ट कर रही है, बल्कि वो पर्यावरण के लिए भी सबसे हानिकारक वायरस है। प्रकाश जावड़ेकर जी और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बड़े प्रोडक्शन हाउस का ये घृणित, गंदा और गैर जिम्मेदार रवैया देखिए और कृपया मदद कीजिए। कंगना से पहले गोवा के एक एनजीओ ने भी इसी मुद्दे पर करण जौहर से लिखित माफी मांगी थी। एनजीओ ने कहा था कि अगर करण की ओर से जवाब नहीं आता है तो वो अगले हफ्ते बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। करण की टीम गोवा की राजधानी पणजी से 10 किलोमीटर दूर नेरुल गांव में शूटिंग के बाद यूज किए गए पीपीई किट और अन्य गंदगी छोड़कर आई है। वैसे आपको बता दें, दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश के घर पर हाल ही में एनसीबी ने रेड मारी थी, जहां पर ड्रग्स भी पाई गई थी, जिसके बाद एक बार फिर करिश्मा और दीपिका की मुसीबत बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।